कपड़े उतार देने से करियर नहीं चल जाता है, ये मत समझना कि पहली बोल्ड मूवी कर ली तो आगे भी अब इंडस्ट्री में ऐसे ही टिक पाओगी। ऐसी आउटसाइडर वाली लड़कियां कुछ भी करने को राजी हो जाती हैं फिल्मों में बने रहने के लिए। ऐसी ही कुछ बातें मल्लिका शेरावत ने अपने बारे में सुनी बी टाउन की एक पार्टी में। मल्लिका शेरावत एक सेंसेशन बन गई थी अपने अनकन्वेंशनल फिल्म चॉइसेस से अर्ली 2000s में। उन दिनों ख्वाहिश और मर्डर जैसी फिल्में चर्चा में सिर्फ और सिर्फ अपने बोल्ड सीन्स की वजह से आती थी, और मल्लिका इन फिल्मों की वजह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बोल्ड चेहरा बन चुकी थी। जहां उन्होंने कुछ बोल्ड चॉइसेस किए तो वहीं उन्हें कुछ झेलना भी पड़ गया। रणवीर अलाहबादिया के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मर्डर फिल्म की सक्सेस पार्टी में उन्हें दुनिया भर का क्रिटिसिज्म सुनने को मिला, वो भी उस वक्त की कुछ नामचीन एक्ट्रेसेस से, जैसे कि सो मेनी स्लट्स इन द इंडस्ट्री, नाउ वी हैव वन मोर, कपड़े उतार देने से करियर नहीं चल जाएगा। कुछ एक्टर्स तो यहाँ तक कह गए कि इतने बोल्ड सीन्स अगर कैमरे पे कर सकती हैं तो हमारे साथ आने में क्यों मना करेगी। ये सब सुनने के बाद वो अपने सक्सेस पार्टी को छोड़ अपने मेंटर महेश भट्ट के पास रोते रोते पहुंच गए। उन्होंने क्या समझाया वो तो हम कभी नहीं पता लगा पाएंगे, पर एक्ट्रेस हमें उसके बाद कई फिल्मों में दिखी। और एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस कहती है कि फिल्म के हीरोज आपको 3-3 बजे सुबह बुलाते हैं और अगर आप जाने से मना कर देते हैं तो वो आपको फिल्म से निकाल देते हैं। कॉम्प्रोमाइजेस करो या फिर फिल्म नहीं मिलेगी, बिना काम के गुमनाम रहोगे। अब एक बात यहाँ समझने वाली है कि अर्ली 2000s में सिर्फ मल्लिका शेरावत ही एक ऐसी एक्ट्रेस नहीं थी जो बोल्ड सीन्स करती थी, पर आखिर ये सब सिर्फ उन्हीं के साथ क्यों हो रहा था। मैडम ने बड़े पर्दे पे विकी विद्या का वो वाला वीडियो से एंट्री मारी है, तो कहीं ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी फिल्म की बस के लिए तो नहीं है? क्योंकि इतने सालों के बाद आखिर मैडम को अपने साथ हुए कांडों की आखिर याद क्यों आ गई? खैर जो भी हो, बात बी टाउन की सारी लेटेस्ट गॉसिप्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।